नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 22 फरवरी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसके तहत छात्र परीक्षा की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी परीक्षा में धांधली रोकने के लिए अपनी कमर कस ली है। DIOS रमेश सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण व नकल विहीन परीक्षा के लिए विभाग ने तमाम इंतजाम किए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले में कुल 177 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के साथ साथ सहायक केंद्र व्यवस्थापक केंद्रों की कमान संभालेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। नकल विहीन परीक्षा के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती की गई है। रात्रि को भी फ्लाइंग स्क्वाड भ्रमणशील रहेंगे। नकल विहीन परीक्षा को लेकर विभाग ने शासन के निर्देश पर कड़ी मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की। बलिया में 1,37,737 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड की परीक्षा को सकुशल और सुविधापूर्ण संपन्न कराने के लिए कुल 177 केंद्र बने हुए हैं, 177 स्टैटिक मजिस्ट्रेट बने हुए हैं, 177 केंद्र व्यवस्थापक हमारे हैं, 177 सहायक केंद्र व्यवस्थापक हैं, और इसके बाद जो है 34 जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 7 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट हैं। ये हमारी व्यवस्था वैसे की गई है। सभी में पर्याप्त मात्रा में कक्ष निरीक्षक दिए गए हैं और इसके बाद सचल दस्ता हमारा है। फिर इसके बाद रात्रि भ्रमणकालीन हमारा सचल दस्ता है और रात्रि भ्रमणकालीन हमारे 14 लोग अलग से लगे हुए हैं कि रात्रि में भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रांग रूप सही तरीके से है कि नहीं है। पूरी वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पूरी फोर्स है स्ट्रांग रूम के सामने। इसके बाद पूरी तरह से SP साहब ने जो है पूरी व्यवस्था दी है कि वहाँ पे सर्विलांस का पूरे सिस्टम है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी मोबाइल कोई भी चीज़ इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से परीक्षा की नियम की धाराएं और प्लस जिला प्रशासन की जो उस तरह की धाराएं होती हैं वो सब लगा करके उसके खिलाफ एक्शन कड़े से कड़े एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से सर शुचिता बनाने के लिए आप लोग जिस तरह से कई नकल विहीन परीक्षा जो होती है उसको किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था करेंगे और किस तरह से अभी हम लोग व्यवस्था इस रूप में है कि पूरी तरह से चेकिंग होकर के इसके बाद ही लोग जाएं अंदर प्रवेश करें और इसके बाद जो है इनके आधार कार्ड को लेकर के पूरी तरह से उसका भी चेक किया जाए और अब की बार जो प्रवेश पत्र आया है जो इन लोगों को मिला है उस प्रवेश पत्र पे जो है बिल्कुल इनके एक फोटो यहाँ है एक फोटो वहाँ है तो दो दो फोटो इनके लगे हुए वहीं से फोटो निकला जो इन लोगों ने भरा है तो दो एक रजिस्टर पे यहाँ अंकित कर दिया गया एक वहाँ कर दिया गया। इस नाते कोई प्राक्सी मतलब कोई दूसरे की जगह पे दूसरे के बैठने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य के रूप में है। तीसरी चीज सचिव साहब हमारे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री देवकांत शुक्ला जी ने उन्होंने जो व्यवस्था दी है और अपर मुख्य सचिव साहब ने जो व्यवस्था उनके निर्देश के क्रम में जो व्यवस्था दी है वह व्यवस्था ऐसी है कि हमारी जो उत्तर पुस्तिकाएं भी हैं उत्तर पुस्तिकाएं भी उस पर QR कोड सहित है कोई हमारी कापी भी बदल नहीं सकता है। इस नाते नकल होने की 1% भी संभावनाएं नहीं है। सर बलिया में देखा जाता था कि बिहार से भी लोग आकर और तमाम स्टेट से आकर यहाँ परीक्षा देते थे, उसके लिए क्या व्यवस्था किस तरह से जांच आप लोग की? आप लोग देखिए कि पहले क्या था, पहले स्थिति थी कि हमारे लगभग 2 लाख सवा 2 लाख 2,51,000 तक हमने पिछली परीक्षा जो 2015-16 में कराई थी तो इतने अधिक मात्रा में संख्या में थे लोग। आज ये पोजीशन आ गई है कि आपका 1,37,746 कुल टोटल बच्चे मतलब लगभग 1,35,000 के करीब बच्चे हैं तो कितनी संख्या घट गई ये देख लेंगे तो कहीं न कहीं से इस कड़ाई का ही पिछले वर्ष की कड़ाई का ही परिणाम है कि आपकी संख्या नीचे आ गई। सर कॉलेज के अगर कोई अगर लोग इस तरह की गलतियां करेंगे तो उसको किस तरह से अगर कॉलेज की किसी भी देखिए 15 विद्यालय पिछली बार पूर्णतः जो उनकी समाप्त हो गया कब तक दे रहे उनकी मान्यता प्रत्याहरण हो गया। अगर किसी कॉलेज वाले ने इस तरह से वित्तविहीन कॉलेज वाले अगर इस तरह से अगर गतिविधियाँ की या हमारे वित्त पोषित कॉलेज को इस तरह की गतिविधियाँ की या हमारे गवर्नमेंट का कॉलेज को इस तरह की गतिविधियाँ की तो प्रिंसिपल से लेकर के मतलब केंद्र व्यवस्थापक से लेकर व्यवस्थापक तक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तक कोई भी बचेगा। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव TV एक्सप्रेस के साथ।